मैं हूं राम कुमार राही, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं कानपुर में हूं। आज जिस जगह पे मैं बैठा हूं, हमारे साथ में जो दोनों लोग बैठे हैं उपासक उपासिका, इन्होंने दो काम करके दिखा दिया है कि शायद लोग बाग सोचने में भी मजबूर हो जाते हैं, यार इतना बड़ा काम कैसे कर दिया। लोग बाग जो पैसा लगाते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए लगाते हैं, उस पैसे पे कोई ध्यान नहीं देता है कि पैसा हमें किस जगह पे लगाना चाहिए जहां मेरे बहुजन समाज के लोगों को लाभ हो सके। आज हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम सदे जितेंद्र बौद्ध जी हैं, साथ में अर्चना बौद्ध जी हैं, तो दोनों लोगों को मैं नमो बुद्धाय जय हिंद करता हूँ। आप सोशल लाइव यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है, अभिवादन करता है, साधुवाद और आपका आभार। आपने हमारे लिए इतना कीमती समय निकालकर हमारे यहाँ आए और हमारा इंटरव्यू लिया, इसके लिए बहुत 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 साधुवाद। सर जी, मैं शुरुआत करता हूँ। जैसे मुझे पता चला विनीता बौद्ध के द्वारा, तो मैं जनपद जालौन से आया और हमने सोचा कि इतना बड़ा काम कर दिया है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने बहुजन समाज के लोगों को मैं ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम कर दूं, इसीलिए मैंने मुलाकात आप लोगों से की। तो सर जी, आप बताइएगा कि आपने जो पंचशील बुद्ध विहार बनवाया है, आपके मन में कैसे विचार आया? राही जी, जैसा कि आपने इस भवन का नाम पंचशील बुद्ध प्रेरणा स्थल है जी सुना है जी, तो प्रेरणा स्थल का मतलब ही होता है कि प्रेरणा से और प्रोत्साहन। जी जी, लोगों को प्रेरणा मिलना चाहिए, बिल्कुल, कि उन्हें एक सीख मिले कि हम भी ऐसा काम कर दिखाएं। जी जी, और जी हम तो भगवान बुद्ध की शरण में जब से आए हैं, जब से हमने समझा है, तब से हम पूरी तरह से समर्पित हुए, और जब सक्षम हुए, जब हम अपने बलबूते पर हम कुछ करने लायक हुए, तो हमारा प्रण था कि अपने माता पिता और अपने साथी संगाती जितने भी सानिध्य में लोग हैं, उनकी प्रेरणा से हम कुछ ऐसा कर दिखाएं कि एक मिसाल बने। तो हमारे पास समाज में ज्यादा घुलने मिलने का समय तो हमारे पास रहा नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे, तीन बेटियां हैं, बेटियां ही बेटियां हैं, बेटा नहीं है मेरे पास, और बेटियां भी छोटी ही हैं, ज्यादा समय नहीं ले पाते, सोशल वर्किंग में ज्यादा समय नहीं ले पाते। चलो सर जी, इतना काम कम नहीं है जो आपने इतना बड़ा काम कर दिया समाज के लिए। समाज में रहकर भी आपके पास समय भी नहीं मिल पा रहा, लेकिन फिर भी समाज के लिए काम कर दिया। बस हमने काम ये किया जी कि एक मिसाल बने कि बुद्धिज्म क्या है, बाबा साहब का मिशन क्या है, और हमें समाज में जागरूकता के लिए किस तरह से समर्पित होना चाहिए, इस प्रेरणा को दूसरों तक पहुंचाने के लिए मैंने इस भवन का निर्माण किया। बहुत बढ़िया सर, कब शुरुआत हुई है इसकी? शुरुआत तो 4 साल हो गई। अच्छा, 4 साल। 4 साल से लगातार काम चल रहा था जो 2020 में पूर्ण हुआ, पर कुछ काम ऐसे रह गए कि जो सुंदरीकरण के काम आज भी जारी हैं जी। परिसर में बहुत सारे काम होते रहते हैं, पीछे एक पूल बना हुआ है, उसमें मछली है जी, और गार्डनिंग का काम होता रहता है, ऊपर फॉल सीलिंग वगैरह। सर, क्षेत्रफल कितना होगा लगभग इसका? क्षेत्रफल लगभग हमारा 2 बीघे का करीब। 2 बीघे है? अच्छा, अच्छा अच्छा, नापा नहीं लिया है क्योंकि हमारी 2 बीघा पूरा आपको कवर इसी में करना है? हाँ, इसी में जगह। हाँ, पूरी जगह इसी के लिए ही है। अच्छा, धीरे धीरे करके मतलब विकास होता जाएगा, होता जाएगा, और अभी काम बराबर जारी है जी, जी, जी। और काम चलता रहेगा। और लोग क्या भी आते होंगे ना देखने के लिए? हाँ, बहुत लोग आते हैं, बीच बीच में हम प्रोग्राम करते रहते हैं, धम्म देशना होती है, गीत संगीत के कार्यक्रम होते हैं, और ज्यादातर पूर्णिमा और अमावस्या दो ही ऐसे माह के दो ही ऐसे दिन होते हैं जिन दिनों में भगवान बुद्ध से जुड़े हुए कार्यक्रमों को किया जाता है, जिसमें हम लोग
जोड़ दिया भगवान बुद्ध की कार्यक्रमों को करते हैं। अच्छा, इसमें सेवक अर्चना बौद्ध जी का क्या रहा? अर्चना विचारों से रहे होगा। अर्चना बौद्ध जी तो नहीं, हमने कई जोड़े ऐसे देखे हैं कि जैसे यदि पुरुष ने सेवक किया किसी काम में तो हो सकता कि टांग खींचने का काम करती हैं। नहीं, कभी कभार मैंने ऐसे देखा है ऐसा तो, लेकिन ऐसा अर्चना बौद्ध के अंदर विचार नहीं है। और हमने देखा है कि जब से हम आए हैं तो हमारी अर्चना बौद्ध जी बहुत सक्रिय रही इस काम में। जो आज धम देतना का प्रोग्राम चल रहा था सर, अगर ये ना होती तो शायद इस भवन का निर्माण ही ना करा पाते।